सुस्वागतम उनचासवीं सीनियर नेशनल कैरम चैंपियनशिप 2021-22 तो गए तीन दिनों से खेली जा रही हैं श्री हलारी विसा ओसवाल हॉल दादर ईस्ट में। दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, पहली बात तो आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पे, और ये जो लाइव मैच आपके सामने दिखाई जा रही है ये मैच है दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में। फाइनल का मुकाबला है, इंस्टीट्यूशनल फाइनल का मुकाबला है, मुकाबला चल रहा है के श्रीनिवास PSPB वर्सेस जहीर पाशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैं बताना चाहूँगा इन दो दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में। श्रीनिवास के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो इनकी हिस्ट्री बहुत है, मतलब ये एक दिग्गज खिलाड़ी है और इनके नाम पे जब ये जूनियर में थे अंडर 18 में इन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी 2009 में, अंडर 14 में सब जूनियर 2006 में नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी, ये नेशनल यंगेस्ट चैम्पियन बने थे 2013 में इन 2013, वर्ल्ड कप में 2014 में मालदीव्स में ये विनर हुआ मतलब हुए थे, और 2016 में फिर एक बार नेशनल चैम्पियन हुए थे। फेडरेशन कप में भी इनकी बहुत जीत है, दो बार तो ये फेडरेशन कप में जीते हैं। तो ये है इनके बारे में। अपोनेंट प्लेयर जो आप देख रहे हो जहीर पाशा, ये भी 2016 के नेशनल चैम्पियन विनर हैं, वर्ल्ड कप फोर्थ रैंकिंग के 2010 में। यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से जो ब्रेक आप देख रहे हो और फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट ब्रेक आपके सामने जहीर पाशा ने टॉस जीतते हुए ब्रेक किया था। हम थोड़े से डिले थे इसलिए हम वहाँ से जुड़ नहीं पाए, लेकिन हमने आपको यहाँ पे जोड़ लिया है। यहाँ पे ख़त्म होता हुआ हम देखेंगे। इस मैच के बारे में मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आप इस मैच को ज़रूर देखें, हालांकि बिना हिले आप इस मैच को हर एक ब्रेक को आप देखिए, आपको देखने मिलेगा कि कैरम खेल में जो अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं, अलग अलग शॉट रहते हैं, ये इन दोनों खिलाड़ियों के पास है। क्योंकि मैंने कल भी श्रीनिवास के बारे में कहा था कि ये एक दो प्लेयर है, देखिए अब मेरे ख्याल से प्रैक्टिस बोर्ड ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट ब्रेक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेफरीज ने स्कोरबोर्ड पे कोई स्कोर अलग से लिखा नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मैच है, ये फाइनल का मुकाबला है, श्रीनिवास फ्रॉम PSPB वर्सेस जहीर पाशा फ्रॉम RBI। जब टॉस श्रीनिवास ने जीती है तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक जो नॉर्मल था, प्रैक्टिस ब्रेक जिसे कहा करते, वो शायद जहीर पाशा को, ये तो रूल है कैरम का, थंब रूल है कि अगर एक खिलाड़ी ने टॉस जीत लिया तो प्रैक्टिस बोर्ड के लिए ब्रेक सामने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। यहाँ पे देखिए श्रीनिवास अपना ब्रेक सेट करते हुए, हमने बहुत बार देखा है कि ब्रेक सेटिंग ये एक इनकी खासियत है, बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक को सेट करते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि ब्रेक देखना है तो श्रीनिवास जी का, देखिए मैक्सिमम टाइम ब्रेक में कॉइन पॉकेट करते हैं और ब्रेक को इस तरीके से स्प्रेड करते हैं, ये एक टेक्निक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक स्ट्रेट कॉइन को पॉकेट कर दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, PSPB वर्सेस RBI। कंट्रोल खेला, कॉर्नर से पॉकेट कर दी, यहाँ पे कनेक्शन का प्रयास और थोड़ा डीप लगा, थोड़ा ज़्यादा लगा कनेक्शन, इसलिए ब्लैक से टकरा गई है। यहाँ पे देखिए जहीर पाशा एक ऐसे खिलाड़ी है जहाँ उन्हें चांस मिलता है या जहाँ उनके
नज़र में फिनिश दिखता है वो चांस वो नहीं छोड़ते। यहाँ पे फिर एक बार कनेक्शन खेल रहे हैं, कनेक्शन को सक्सेस कर दिया है, 4 वाइट कॉइन, उसमें से एक बहुत ज़्यादा इजी है। अब यहाँ देखिए कुछ अलग टेक्निक, देखिए ब्लैक कॉइन से वाइट को रिबॉन्ड में, कनेक्शन रिबॉन्ड में खींच रहे थे और पोजीशन को ओपन कर दिया, क्वीन को सेफ पोजीशन पर आके रखा। अब क्वीन को अपने सेफ तरीके से रख दिया है ज़हीर बादशाह ने, क्योंकि उनको पता है कि उनके राइट हैंड कॉर्नर पॉकेट पे उनकी एक ब्लैक है जो ज़रूर। यहाँ पे देखिए कनेक्शन का प्रयास था, हार्ड कनेक्शन, क्वीन को ओपन करने का प्रयास, लेकिन पॉकेट के नज़दीक जाके वाइट कॉइन ने ब्रेक लगा दिया। हालाँकि यहाँ पर थोड़ा सा जोर से खेलने का प्रयास होगा क्योंकि उसे डिफ्लेक्ट करना है, पॉकेट से थोड़ा हिलाना है। अब एक चांस है ज़हीर के पास, धीरे धीरे पोजीशन को कॉइन्स को कट करते हुए चले जाएंगे, पॉकेटिंग करते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखना है कि क्वीन सेफ पोजीशन पे है तो उसको अब इतने जल्दी नहीं छुएंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो बीच की ब्लैक है उससे भी खेलते हुए वाइट को रिलीज़ करने का प्रयास, हालांकि बहुत बेहतरीन तरीके से खेला था। अब देखिए इस ब्लैक को भी खेलेंगे क्योंकि उनको पता है, जब तक उन्हें ये पता है कि क्वीन सेफ जोन में है तब तक उन्हें जाती हुई क्वीन भी उन्होंने नहीं खेली। ये सही था, दिस इज़ द राइट डिसीजन। अब देखना है कुछ टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगी, कुछ गजब के शॉट्स यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे श्रीनिवास को अपने हिस्से में क्वीन लेके आ रहे हैं, सर्कल कर दिया क्वीन को ब्लैक की बाजू से, दो बॉर्डर को टकराती हुई क्वीन श्रीनिवास के फ्रेम के यहाँ आके रुक गई सेफ पोजीशन में। अब देखना है कि फिर एक बार क्वीन को वहीं लेके जाएंगे और वाइट को डिफ्लेक्ट करेंगे शायद से। वो हो, ये थोड़ी ज़्यादा लग गई, बट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे श्रीनिवास की पोजीशन थोड़ी सी टफ लगती हुई, ये डबल टच या फिर ग्लांस डबल टच की कोशिश होगी। देखिए मैंने कहा था क्योंकि इतनी इजी पोजीशन नहीं है, दोनों वाइट नज़दीक तो है बट उनमें का जो डिस्टेंस है वो गलत है। यहाँ पे देखिए क्वीन को खेलने की प्रयास पर क्वीन को मिस कर दिया है पॉकेट के बाजू में, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे श्रीनिवास। श्रीनिवास ने कट सीजर ग्रिप से खेल ली, क्वीन पॉकेट कर दी, सामने एक ईजी कवर उन्हें दिख रहा है, उस कवर को भी उन्होंने पॉकेट कर दिया है। हाफ बॉल की के ऊपर जो ब्लैक वाइट थी उसको खेलने का प्रयास, यहाँ शायद अगर ये कट पॉकेट कर दी तो दो का ब्रेक ज़रूर मिलेगा, बट नहीं, पूरे से गलत खेले हैं, हालांकि एग्जैक्ट पॉकेट नहीं कर पाए। हो देखिए ये शॉट है, दिस इज द शॉट, क्या बात है, हमने तो सोचा भी नहीं था, इनफैक्ट किसी ने नहीं सोचा था इस तरीके से इसको फिनिश किया है, शायद ही कोई सोचे, क्या बात है। जिस हार्ड पोजिशन को उन्होंने इतनी जोर से खेला, तालियां तो ज़रूर बजेंगी। ये मैं कह रहा था कि इस तरीके के शॉट्स हैं जो ये दोनों खिलाड़ियों के पास हैं, और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के शॉट्स आपको देखने मिलेंगे। दो ब्रेक के बाद मैंने कहा था इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि पहला ब्रेक भी श्रीनिवास ने लिया था, ब्रेक चालू हुआ था लेकिन रेफरी जो है हमारे, एक्चुअली इंटरनेशनल रेफरी है, उनका नाम है आशीष बाक्कर, ये बहुत ही अनुभवी अंपायर है, रेफरी है, और उनके उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैचेस में उन्होंने यहाँ पे देखिए पहले ब्रेक के बाद और दूसरे ब्रेक के बाद स्कोर दर्शाता हुआ श्रीनिवास 13 ज़हीर पाशा नील। PSPB वर्सेस RBI फाइनल सिंगल्स का मुकाबला है, यहाँ पे टीम का है तो ज़रूर और कोई सिंगल्स चलती होगी। मेरे ख्याल से ये जो दूसरी फाइनल, मेंस फाइनल की दूसरा मुकाबला जो चल रहा है,
इंस्टीट्यूशनल का, वहाँ पे प्रशांत मोरे वर्सेस गुफरान, ये बहुत ही तगड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि यहाँ पे भी ये जो मैच है, ये मैच भी बहुत रोमांचकारी होने वाली है। यहाँ पे देखिए एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन, और इस कनेक्शन को खेलते हुए क्वीन को ओपन कर दिया है, और क्वीन खेलते वक्त भी वाइट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करेंगे ज़रूर। हालांकि कोशिश तो थी लेकिन नहीं हो पाई, बट जो इंटेंशन था क्वीन को पॉकेट करना, उसमें कहीं भी गलत नहीं है। अब ये देखिए इस शॉट्स को माइनस में खेल दिया है, परफेक्शन है, कितना कॉन्फिडेंस है गेम में आप देख सकते हो। यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हुए अपनी पोजीशन को साउंड पोजीशन पे लाते हुए इस शॉट को देखो किस तरीके से खेल लिया है। अब मुझे तो दिख रहा है कि अगर यहाँ से कुछ पोजीशन उन्होंने कर दी तो फिर ओहो इजी कॉइन को मिस कर दिया। हालांकि मिस हो गई है क्योंकि यहाँ जो ब्लैक का ऑड कनेक्शन था उसे यहाँ पे उन्होंने जहीर ने जो कॉइन खेली, और उसके बाद वही पॉकेट में उन्हें खेलना है। जहीर एक कंसिस्टेंट खिलाड़ी है, कॉइन्स कितने भी हो बोर्ड पे उन्हें खेलने में उनको थोड़ा ही भी प्रेशर नहीं आता, क्योंकि उनकी ग्रिप भी बहुत सेट है। मैंने उनके बारे में कहा कि 2016 के नेशनल चैम्पियन हैं 2016 के। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे लास्ट कॉइन के ऊपर आ गए हैं, और इस कॉइन को जैसे सामने से खेल दिया, क्या बात है, व्हाट अ फैंटास्टिक फिनिश। मतलब अगर सामने श्रीनिवास जब इतने खेल रहे हैं तो इसके बाद उनसे भी ज़्यादा खेलना, मतलब आप सोचिए। दर्शकों को मैं एक कहना चाहूँगा कि आप भी सोचिए कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, अंदर से जिगर कितना स्ट्रांग होगा। बहुत बेहतरीन, ये कांटे की टक्कर होने वाली है ज़रूर, क्योंकि दो ब्रेक तो श्रीनिवास ने ले लिए थे, बट यहाँ पे एक बिना क्वीन लेते हुए चार का ब्रेक हमने देख लिया, आंखों देखे कि जहीर पाशा जी ने ले लिया है। अब रेफरी ज़रूर उसको चेंज करेंगे। ये जो मैच चल रही है, आज का सेकेंड लास्ट डे है, 49 सीनियर नेशनल कैरम चैंपियनशिप, इसमें 229 पुरुष और 194 महिला खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। टाइटल स्पॉन्सर इसके LIC ऑफ इंडिया, प्लैटिनम स्पॉन्सर्स में बताना चाहूँगा इंडियन ऑयल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, बैंक ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो चलिए यहाँ पे चौथी ब्रेक की आगाज़ होते हुए, शुरुआत होते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से ये ब्रेक मुझे तो दिख रहा है। एक इजी सीजर ग्रिप से थम खेलते हुए, थोड़े से निहारते हुए श्रीनिवास सोचते होंगे कि कौन सी पीस है जो मुझे अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दिख रही है, और किस कॉइन से मैं उस डिफ़िकल्ट कॉइन को इजी करूं। यहाँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से स्टैंडिंग कट खेला। अब इसके आगे क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, वो भी यही सोचते होंगे कि 13 पे बैठे हैं, अगर 13 और 12 जुड़ जाए, अगर वाइट स्लैम लग जाए तो तुरंत साइड चेंज हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट कॉइन था। अब इसके बाद आगे क्वीन को खेलने का प्रयास है। क्या बात है, बहुत तगड़ा प्रेस था, फिर भी क्वीन को पॉकेट कर दी। अब इस कॉइन मतलब कवर को खेलते वक्त वो ज़रूर कोशिश करेंगे वाइट कॉइन को इजी करने की, जो इन्होंने कर दी। और मेरे हिसाब से जो कॉइन आई हुई है इससे मुझे दिख रहा है अगर ब्लैक को इन्होंने बाजू में कर दिया, बस 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 अब तो फिर एक कॉइन ही है, बट लेकिन इससे गेम नहीं पूरा होगा मुझे मेरे हिसाब से। वाइट स्लैम की लास्ट कॉइन, क्या अब चित्र थोड़ा सा उल्टा हो सकता है, क्या जहीर ब्लैक स्लैम के लिए जा सकते हैं। कैपेसिटी तो है, कॉइन्स ओपन्स है, देखना है हमें। नहीं, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई है जहीर से, और बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा उनको 9 पॉइंट से। देखिए इस 9 पॉइंट से श्रीनिवास चले गए हैं 22 के ऊपर।
चार ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ श्रीनिवास 22, जो अभी हमारे रेफरी उसको करेक्ट करेंगे, अपडेट करेंगे हालांकि, और जहीर 4। बट लेकिन किंतु मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों, कुछ भी हो सकता है, अभी भी कैपेसिटी है जहीर के पास वाइट स्लैम खेलने की या कुछ बड़ा ब्रेक लेने की। अगर ऐसा हुआ तो आप सोच सकते हो अगर यहाँ पे 12 या 10 की कोई एक बड़ी ब्रेक मिली तो तुरंत वो अपनी पोजीशन पकड़ सकते हैं। हालांकि ब्रेक तो हुआ है, हम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेक है जहीर के लिए। दो कॉइन्स को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई जहीर को। अब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट मोड पे खेलेंगे, ब्लैक को थोड़ा साइड में कर दिया है क्योंकि बीच की कनेक्शन दिख रही है उनको। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब से थंब को पॉकेट कर दिया है, ये जो कनेक्शन था वो खेलने के लिए उन्होंने उस ब्लैक को साइड कर दिया था। देखिए धीरे धीरे पोजीशन को बना रहे हैं। अब यहाँ सोच रहे हैं कि क्या करूँ, एक सिंपल वाइट कॉइन उन्होंने पॉकेट कर दी, इसके बाद क्या खेलना है उनको ये वो ही सोच रहे हैं। देखिए थोड़ा सा पोजीशन को डिफेंड करते हुए अब ग्लांस खेलेंगे ब्लैक को ज़रूर। यहाँ पे देखिए पोजीशन, देखिए एक कॉइन बची है, वाइट क्वीन बची है बोर्ड पे। अगर हार्ड प्रेस लगा और क्वीन गई, ओहो इट वाज रियल बैड लक, बहुत बेहतरीन तरीके से खेला हुआ था लेकिन क्वीन पॉकेट नहीं हो पाई और जो ब्लैक स्लैम की पोजीशन थी, वाइट स्लैम की पोजीशन थी, वो अब शायद फिर एक बार दोनों खिलाड़ियों में देखिए किस तरह कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन अगर ये कॉइन जाती तो बहुत बड़ा ब्रेक मिलता, 12 पॉइंट का ब्रेक मिलता और जहीर चले जाते 16 पॉइंट पे। लेकिन अब श्रीनिवास धीरे धीरे देखिए इस बॉम्ब से जो दो बीच में की ब्लैक है उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया है और वाइट को भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओपन कॉइन्स को बिल्कुल नहीं डरते, या उनके माइंड में थोड़ा भी ऐसे प्रेशर अगर आता भी होगा तो ये दिखाते नहीं है, ये इनकी खासियत है, ये दिग्गज खिलाड़ियों की खासियत है। दोनों खिलाड़ी कांटे की टक्कर वाले खिलाड़ी है। यहाँ पे देखिए एक ग्लांस कनेक्शन खेलने का प्रयास लेकिन फेल जाता हुआ और ये जहीर ने फिर एक बार बिना क्वीन से 4 पॉइंट बटोर लिए। तो इस ब्रेक के बाद, मतलब 5 ब्रेक के बाद यहाँ पे स्कोर दर्शाता हुआ जहीर 8 और श्रीनिवास 22। दर्शकों से ये निवेदन करूँगा बार बार इस मैच को ज़रूर देखें। हमें पता है आज मराठी सन है, जिसको एक हम गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, एक त्यौहार है और जिसमें सब लोगों के घर पे बहुत ही अच्छा मीठा खाना होगा। दोपहर का समय है लेकिन जो मुझे पता है कि जो दर्शक कैरम प्रेमी हैं वो ज़रूर इस मैच को देखेंगे। तो ये मैच चलता हुआ फिर एक बार बताना चाहूँगा, श्रीनिवास PSPB वर्सेस जहीर पाशा RBI फाइनल का कड़ा मुकाबला 25 vs 8 छठी ब्रेक श्रीनिवास। यहाँ पे ब्रेक को बहुत अच्छी तरीके से खेला है, हम देखते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखो क्वीन को खेलने का प्रयास है गैप में से, क्या बात है, बेहतरीन खेल दिया क्वीन को। साइकिल डिफ़िकल्ट मोड पे है तो कवर ढूंढ रहे हैं, हालांकि कवर है उनके पास। यहाँ पे देखिए ये
कॉइन को टच पे खेलेंगे या कट खेलेंगे। देखिए किस तरीके का प्रयास था ये। क्वीन की कवर की डेयरिंग देखिए, क्या बात है, क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, क्या नज़र है। मैं कहूँगा ये सब दिखना और इस उसको एग्जीक्यूट करना सच में बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होगी इन दोनों खिलाड़ियों की। बहुत बेहतरीन तरीके से अब खेलने का प्रयास करेंगे ज़रूर सहीद। देखिए जो बेस पे ब्लैक थी उसको कट करते हुए दो ब्लैक और कॉइन को इजी करने की कोशिश। यहाँ पे ज़रूर बीच में का क्लस्टर ओपन करने का प्रयास होगा। क्वीन को ओपन कर दिया है, अब क्वीन को खेल रहे हैं श्रीनिवास। बहुत अच्छी पॉकेटिंग कॉन्फिडेंट के साथ क्वीन को पॉकेट कर दिया है। सीजर ग्रिप से थंब कवर के माध्यम में उन्होंने पॉकेट कर दिया और यहाँ पे शायद उन दो वाइट का कुछ शॉट क्रिएट करने गए थे जिसकी वजह से मिस कर दिए कट खेलने वाली वाइट को। धीरे धीरे देखिए जहीर पाशा कॉइन कितनी भी दो, बहुत अच्छी तरीके से थंब को खेला। तीनों कॉइन देखनी गई तो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे एक कट खेलने का प्रयास था, थोड़ी धीमी स्ट्रोक थी उसके वजह से कॉइन पॉकेट नहीं हो पाई। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे थंब खेल रहे हैं पंच के माध्यम से और बहुत अच्छी तरीके से पंच को पॉकेट कर दिया है। अब वहीं पे डबल टच खेलने का प्रयास था उनका, क्योंकि ये जो कॉइन है ये अगर परफेक्ट डबल टच हो गई तो वाइट को साइड में करती हुई पॉकेट में चली जाती है। तो इस तरीके से प्रयास तो था। अब श्रीनिवास क्या इसे प्रेस खेलेंगे, हुक खेलेंगे, हमें देखना है। और इस तरीके से देखिए दोनों ब्लैक कॉइन को डिफ़िकल्ट करने की चाहत में एक को तो कर दी है। अब ओपन कॉइन को पहले पॉकेट करेंगे, नहीं हो पाई। यहाँ पे इस वाइट को टच करने की कोशिश थी लेकिन वैसे नहीं करते हुए मेरे ख्याल से एक टाइट रिबॉन्ड की कोशिश करेंगे ज़रूर। अगर लक के साथ फोर्स हुआ तो ब्लैक घिस जाएगी। और मैं यही कह रहा था कि इसके सिवा दूसरा कोई चारा था ही नहीं उनके पास। ये है रैपिड स्ट्रोक, इसमें हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि क्या होगा, बट बहुत बार फोर्स की वजह से जब फर्स्ट कॉइन अंदर पॉकेट होती है सेकंड कॉइन अपना रास्ता बदलती है और जो पीछे वाली खुद की कॉइन होती है वो पॉकेट होती है। यही हो गया यहाँ पे, बोर्ड तो मिला कहीं ना कहीं, दो का बोर्ड उनको मिल रहा है। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट ब्रेक और मुझे लग रहा है एंड तक ये कांटे की टक्कर होगी। इस ब्रेक को जहीर मेरे हिसाब से बहुत ही समझदारी से खेलेंगे, हालांकि बहुत ही एक्यूरेसी से खेलेंगे। देखना है छः ब्रेक के पश्चात श्रीनिवास 22 जहीर 10 और ब्रेक जो हम देख रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से खेला इस ब्रेक को, तीन कॉइन को पॉकेट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये लाइन की कॉइन है जिसको खेलते वक्त उन्होंने कोशिश तो की थी कि इस ब्लैक को जो क्वीन के सामने ब्लैक है उसे थोड़े से डिफ्लेक्ट करे, बट ये नहीं हो पाया। यहाँ पे देखिए पंच का प्रयास था, अब के इससे पहले वाले ब्रेक में उन्होंने इस पंच को बेहतरीन तरीके से पॉकेट कर दिया था। अब ये फर्स्ट कॉइन है जिसको खेलने का प्रयास था और यहाँ पे सोच रहे हैं जहीर कि अब कौन सी पोजीशन में खेलूं जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम बड़ा ब्रेक मिले। उन्होंने क्लस्टर को अपने पास खींच लिया, ओपन कर दिया है। कैसे डिफरेंस 12 का है, 12 के डिफरेंस के लिए अगर उन्हें ये ब्रेक 7 या 8 का भी मिलता है तो भी संतुष्ट होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ब्रेक में कुछ कम मार्जिन रहेगा। और श्रीनिवास ये सोचते होंगे कि अगर मैं ये ब्रेक दूँ तो मैक्सिमम 1 या 2 का दे दूँ, उससे ज़्यादा नहीं।
देखिए किस तरीके से खेला है श्रीनिवास ने। और अब दोनों सामने की पॉकेट्स तो लॉक हो चुकी है। अब शायद देखिए ब्लैक को ग्लांस करके कॉर्नर, ओहो नहीं, आई वॉज रॉन्ग, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसको डबल खेला और अब शायद इस कॉइन को भी डबल के लिए सोच रहे हैं। क्या बात है, मतलब हर एक शॉट हमें दिख रहा है श्रीनिवास के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, ओहो क्या कहने, यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर रहे हैं श्रीनिवास। और ये अब तो बचा ही क्या, अगर क्वीन को उन्होंने पॉकेट कर दिया बस तो लास्ट कॉइन। और सच में अगर इस कॉइन को बौछार होनी चाहिए, जो मैं सुन रहा हूँ और दर्शक आप भी सुनते होंगे, क्या फिनिश है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनिश, मतलब ये सोच के परे है, मैं सच बताता हूँ ये सोच के परे है। इस फिनिश को मैं तो बाद में बार बार देखूंगा कि क्या फिनिश किया है। 7 से 8 कॉइन के ऊपर मैं सोच रहा था कि जहीर को ये ब्रेक 7 से 8 कॉइन का मिले तो कहीं ना कहीं ये कांटे की लास्ट ब्रेक हो सकती है, इनफैक्ट वो भी वही सोचते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीनिवास ने शोकेश को खोल दिया, अपने कुछ शॉट्स इसमें से निकाले, उसको खेले और वापस पॉलिश करके उनको शोकेश में रख दिया है, क्योंकि फिर जब ज़रूरत होगी तब उसको निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे उस शॉट्स का। क्या बात है, 2 डबल खेली, एक मतलब इस तरीके से खाचा कॉइन को मार दिया कि वाइट उनकी पीछे आ गई। मैं तो मतलब आई एम अ स्पीचलेस, बट वेरी फैंटास्टिक गेम, बहुत बेहतरीन तरीके का ये फिनिश था। चलिए एक सेट हो चुका है, एक सेट को श्रीनिवास ने बहुत ही अच्छी तरीके से जीत लिया है। अब ब्रेक होगी श्रीनिवास की, क्योंकि टॉस जीता था जहीर ने और जहीर ने ब्रेक किया था फर्स्ट सेट में, तो ये सेकंड सेट आपके सामने। इस दरमियान में आपको फिर एक बार दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये 49वीं सीनियर नेशनल कैरम चैंपियनशिप चल रही है 2022 जा रही है, पिछले 3 दिनों से ये चौथा दिन है और ये श्री हलारी विशा उसवाल हॉल गार्डन ईस्ट में। इसके इक्विपमेंट पार्टनर सुरको कैरम बोर्ड से, टाइटल स्पॉन्सर्स LIC ऑफ इंडिया है, प्लेटिनम स्पॉन्सर इंडियन ऑयल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, बैंक ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। चलिए तो रुक करते हैं फिर एक बार इस मैच के ऊपर जो चल रही है, PSPB के श्रीनिवास वर्सेस RBI के जहीर पाशा के, इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में। हालांकि पहला सेट श्रीनिवास ने अपनी खेल का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए जीत लिया है और अब जहीर को भी कुछ अलग करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ खेलना पड़ेगा, तभी 1 each होगा और दर्शकों को, मुझे, सभी को मैच देखने का बहुत बेहतरीन आनंद मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक कनेक्शन खेला, हार्ड कनेक्शन इसलिए खेला क्योंकि वाइट को डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, बट वैसा नहीं हुआ तो अब एकदम शांति से उस वाइट को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हो उस पॉकेट की वाइट के पीछे 3 ब्लैक कॉइंस है जिनको उन्हें खेलना है। लेकिन अब श्रीनिवास कुछ करेंगे ज़रूर, हालांकि जो क्वीन है उसको हार्ड ग्लांस करके खेलने का प्रयास, बट थोड़ा सा बैड लक हम बोल सकते हैं कि ब्लैक को टच होके वहीं पे रहेगी, वरना ज़रूर बाहर आती, टेंशन तो वो लेती नहीं है। देखिए इस ब्लैक से उसको निकालने की कोशिश करेंगे, सर्कल करेंगे ब्लैक को, वाइट को, वाइट के ऊपर कॉइन छोड़ेंगे और कोशिश तो थी बट दोनों में अनसक्सेसफुल, वाइट भी कॉइन पॉकेट नहीं हुई, ब्लैक भी क्वीन को नहीं निकाल सकी। हालांकि यहाँ पे देखिए बेहतरीन कट का प्रदर्शन और अब धीरे धीरे ज़रूर खेलेंगे। ये देखिए हार्ड कनेक्शन खेला इसलिए क्योंकि थोड़ा ऑफ था, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वीन और कवर को पॉकेट कर दिया, धीरे धीरे ब्लैक की पोजीशन खेल रहे हैं,
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लैक को और आगे कर देंगे और दोनों ब्लैक, अब देखना है कि जो प्रेस वाली ब्लैक है उसको खेलेंगे या हल्के से। अनएक्सपेक्टेड, देखिए उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए समझ में आता है कि उन्हें लगा नहीं था कि ये कॉइन मिस होगी, बट मिस हो गई है। यहाँ पे अब थोड़ी सी साउंड पोजीशन है श्रीनिवास के हाथों में। इस कॉइन से पॉकेट के ब्लैक कॉइन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, हालांकि अब जो टर्न खेलना है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ब्लैक के बाजू में जो वाइट है उसको खेल लिया, ब्लैक को डिफ्लेट कर दिया है, अब नहीं सुनेंगे, शायद फिनिश के लिए जाएंगे, क्योंकि तीनों कॉइन स्ट्रेट कॉइन है, बट एक मिस कर दी जहीर के लिए सुनहरा मौका। इस मौके को उन्हें हासिल करना ही होगा। और इस तरीके से पहले ब्रेक के पश्चात यहाँ पे हमने देखा क्वीन कवर को बेहतरीन तरीके से खेलते हुए दूसरे सेट के पहले ब्रेक के पश्चात जहीर का स्कोर हो चुका है 6। अगर इस तरीके से उन्होंने खेला तो यहाँ पे तीसरा सेट ज़रूर होगा। श्रीनिवास बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के लिए डेंजरस है। दोनों खिलाड़ियों के पास अपने अपने शॉट्स है, दोनों खिलाड़ियों के पास अपनी अपनी कुछ टेक्निक है, सब चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ये फाइनल है, इंस्टीट्यूशनल फाइनल। रेफरी है हमें जो इस मैच के लिए है, मिस्टर आशीष पाक्कर, इज अ वेरी वेल नोन एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल अंपायर, बहुत बड़ा अनुभव है और बहुत अच्छी अच्छी क्रूशल मैचेस में उन्होंने अंपायरिंग की हुई है। ये मैच भी उनके हिस्से आ गया है। ब्रेक फेल हुआ था जहीर का, फ़ायदा उठाते हुए देखिए हार्ड कनेक्शन खेलेंगे और ब्लैक को वाइट के टच पर खेलने का प्रयास करा, हालांकि दोनों पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन प्रयास यही था। यहाँ पे जहीर को थोड़ी सी पोजीशन मिलती हुई, अब एक जो ब्लैक कॉइन है वो डिस्टर्ब कर रही है तीन वाइट कॉइन को, कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। क्या उस शॉट को कनेक्ट करेंगे वाइट के ऊपर से, कर दिया, बट बैड लक, वो डीप था, अगर ये कॉइन चली जाती तो आगे और खेलते। यहाँ पे श्रीनिवास सिंगल कॉइन को एकदम सम्मानजनक पॉकेट कर लिया, बीच में का क्लस्टर खेलेंगे, क्वीन को थोड़ा सा रिलीज करेंगे, लेकिन अब मिस करते हुए श्रीनिवास क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कभी कभार बहुत ज़्यादा सोच भी गेम को थोड़ा सा अलग मोड़ देती है। यहाँ पे देखिए बहुत हार्ड प्रेस था, लेकिन उसको खेल लिया, अब क्वीन का प्रयास, क्वीन को खेल लिया है, अब एक बार स्ट्रेट कॉइन कवर खेलेंगे, कवर को भी खेल लिया है, अब बची दो वाइट कॉइन, उसमें से और एक कॉइन को खेल दिया है, और यहाँ पे कनेक्शन रिबॉन्ड अगर जाती है तो आज का ब्रेक, तालियों की बौछार यहाँ पे होती है, क्या बात है। दो ब्रेक के बाद जहीर पाशा इज बैक इन फॉर्म। मैंने कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ दर्शकों से कि आप इस मैच को ना छोड़ें, इस मैच को आप ना छोड़ें। दो ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 14 जहीर वर्सेस श्रीनिवास 0 नील। हालांकि पहला सेट इसी तरीके से श्रीनिवास ने खेला था, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस मैच को देखने में कि किस तरीके से श्रीनिवास रोकने की कोशिश करेंगे जहीर को, और अगर उन्होंने कोशिश भी की तो क्या जहीर रुकेंगे, देखना है हमें। आंखों देखा जो चल रही है मैच फाइनल इंस्टीट्यूशनल की,
बीएसपीबी वर्सेस आरबीआई, श्रीनिवास वर्सेस जहीर पाशा। फिर एक बार श्रीनिवास रेडी फॉर ब्रेक। स्ट्राइकर पे स्वस्तिक है उनके, भगवान की कृपा है। यहाँ पे ब्रेक फेल होता हुआ, पर एक भी ब्लैक कॉइन इजी नहीं है पॉकेट करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, फायर करेंगे? ओहो, गलत तरीके से फायर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे वाइट को तो पॉकेट करके दे दिया उन्होंने, उसके साथ साथ क्वीन को दे दिया है। क्वीन को पॉकेट किया। अब जो शॉट दिख रही है सामने उसको खेलेंगे। थंब को रखा है उन्होंने, शायद उस थंब से कुछ करे। अगर फिनिश की पोजीशन के नज़दीक पहुँचते हैं तो शायद उस थंब को एज अ बम करके यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सुनहरा मौका है श्रीनिवास के पास। अगर इस बार उन्होंने फिनिश कर दिया, देखिए इस कॉइन को थोड़ा डिफ्लेक्टिंग मोड में खेलते हुए उन्होंने, अब हार्ड प्रेस है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, हल्का प्रेस है, उस प्रेस को खेला। उसके बाद जो बची हुई तीन कॉइन है उसमें से सामने वाले कॉइन को खेलेंगे। ओहो, अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे देखो जहीर को एक चांस मिला है, गोल्डन चांस, और इस चांस को यूटिलाइज करना है उनको। बहुत अच्छी तरीके से खेलते हुए धीरे धीरे कोशिश करेंगे। देखिए ये स्ट्रोक देखिए, दो ब्लैक के बीच में, और उन्होंने इस ब्लैक को वाइट के टच पे पॉकेट कर दिया। ओहो, ये इम्पोर्टेंट टर्न था। अगर ये जाता तो इसके बाद और एक ब्लैक कॉइन वो ज़रूर कट हो। ये क्या चल रहा है, ये अगर ऐसा होगा तो क्या ये प्रेशर है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। शायद जजमेंट फेल होता हुआ श्रीनिवास का। देखिए दोनों खिलाड़ियों के पास से, यहाँ पे देखिए पोजीशन को ओपन करेंगे। ये होती है सीजर ग्रिप की ताकत। यहाँ पे वाइट कॉइन को इजीली पॉकेट कर दिया, मेरे ख्याल से डबल टच की कोशिश होगी। ओहो, डबल टच पॉकेट नहीं हो पाई, उस वजह से कम एक कॉइन तो पॉकेट कर देंगे जहीर। और यहाँ पे श्रीनिवास को इजी कॉइन पॉकेट करनी होगी फिनिश के लिए। वो करते हुए छः का ब्रेक उनको मिलता हुआ, और हमने देखा जब ब्रेक फेल हुआ उसके बाद जहीर ने जो टर्न खेला उस टर्न की वजह से उनकी एक श्रीनिवास की एक वाइट कॉइन पॉकेट हो गई थी और क्वीन आके नज़दीक रुक गई। हालांकि उसके बाद का टर्न जो उन्होंने खेला है वो बेहतरीन था। हमें तो लगा था कि वो फिनिश ही करेंगे, कोशिश तो उन्होंने की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। चलिए कोई बात नहीं है, छः का ब्रेक तो उनके हिस्से आ गया है, और स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ तीन ब्रेक के बाद सेकंड सेट में जहीर पाशा इज ऑन 14, के श्रीनिवास इज ऑन 6, 6। ये चौथी ब्रेक है जहीर की, बहुत अच्छी ब्रेक, सीजर ग्रिप से खेलते हैं ब्रेक को। कॉइन पॉकेट कर दी है राइट हैंड साइड के कॉर्नर पॉकेट में। अब फ्रेम में लगती हुई कॉइन को भी बहुत कॉन्फिडेंट के साथ पॉकेट कर दिया है। मैं जो देख रहा हूँ बीच में एक, जिसको हम कैरम के लैंग्वेज में चौका बोलते हैं, और वो मुझे दिख रहा है। उस चौके में एक टच की कॉइन मुझे भी दिख रही है, और शायद ब्लैक को हार्ड ग्लांस करते हुए अगर ये चौका उन्होंने खेल लिया, उसकी ही कोशिश है, तो फिर ब्रेक टू की पोजीशन ज़रूर आनी है। क्या बात थी, देखिए कॉइन रुक गई, वरना वो 100% पॉकेट थी। यहाँ पे बचा ही क्या था, एक डबल टच या एक थोड़ी लंबे की वाइट कॉइन। चलिए कोई बात नहीं,
फिर एक बार यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी श्रीनिवास को, क्योंकि अगर ये ब्रेक टू लगता तो फिर सेट ख़त्म हो जाता, लेकिन अभी भी अच्छी कोशिश यहाँ पे, बेहतरीन क्वीन को थोड़ा ओपन कर दिया है, खेलना क्वीन को ही पड़ेगा। क्या बात है, बेहतरीन पॉकेट का प्रदर्शन। अब क्या बात है, देखिए कवर इजी नहीं है, या तो कनेक्ट करनी पड़ेगी, और उसको कनेक्शन में डेयरिंग देखिए इस खिलाड़ी की, कवर को कनेक्शन खेल दिया, वो भी प्लेन नहीं थी, यहाँ पे माइनस कट का प्रयास होगा, देखिए किस तरीके से, क्या बात है, तालियों की पहुँचा। अब इस कॉइन को अगर पॉकेट कर दिया है, यहाँ पे देखिए किस तरीके का शॉट है ये, क्योंकि एंगल नहीं मिल रहा है उनको। ओहो, बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन ब्लैक कॉइन ने रास्ता रोक लिया, वरना ये पॉकेट थे, और 14 और 10 24 पे पहुंच जाते, 24 पे। लेकिन अब शायद नज़ारा कुछ और हो सकता है। श्रीनिवास धीरे धीरे पोजीशन बनाते हुए खेलेंगे। देखिए ब्लैक, देखिए किस तरीके से वाइट को इस जगह पर लाकर रखा है कि ये कॉइन पॉकेट करने के बाद उसको अपनी बेस में लेके आएंगे। देख लिया, ये है श्रीनिवास का खेल। हालांकि मैं तो कहता हूं कि एक गलती और सजा मौत जिसे कहते हैं ना, उस तरीके का खेल यहाँ पे चल रहा है, कि अगर एक प्लेयर ने गलती कर दी तो ये बेहतरीन फिनिश का प्रदर्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। जहीर, जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की थी, मैं उसे गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्हें कोई दूसरा चारा ही नहीं था कि उसको उस वाइट कॉइन को पॉकेट करे। यहाँ पे एक का ब्रेक मिलेगा, इस एक ब्रेक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एक का ब्रेक नहीं मिलता तो तीन का ब्रेक मिलता, तो चार ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ श्रीनिवास 7 और जहीर पाशा 14। फाइनल का मुकाबला है, इंस्टीट्यूशनल फाइनल, टीम फाइनल, इंस्टीट्यूशनल की टीम फाइनल का ये मुकाबला है, जहाँ पे डबल्स की भी एक मैच चल रही है, RBI वर्सेस PSPB, सिंगल की और एक मैच चल रही है, प्रशांत मोरे वर्सेस गुफरान के बीच में, और ये जो लाइव मैच आप देख रहे हो दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में, श्रीनिवास फ्रॉम PSPB वर्सेस जहीर पाशा फ्रॉम RBI। पहला सेट श्रीनिवास ने जीत चुके हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेक को कॉइन पॉकेट कर दी है, ब्रेक में पोजीशन को रीड करते हुए, देखिए बहुत अच्छी तरीके से खेला। अब पोजीशन बनाएंगे इस कॉइन से, थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन करते हुए, जगह बनाते हुए, हर एक एक कॉइन को रिलीज करते हुए। क्या बात है, सुंदर खेल का प्रदर्शन। यहाँ पे क्या क्वीन को खेलेंगे, सोच तो रहे हैं, बैलेंस पे खेलनी होगी, खेल लिया है। अब तो वाइट यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर क्वीन जा रही है तो ओहो, हमेशा क्वीन का कवर बहुत डिफ़िकल्ट चूज़ करते। देखिए ज़ोर से लगा, क्वीन आउट हो जाएगी, शायद इससे अच्छा कोई कवर उनको लगा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे थोड़े डिफ़िकल्ट ही लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला ही स्ट्रोक बहुत हार्ड प्रेस स्ट्रोक खेले, कंट्रोल। देखिए इन दोनों खिलाड़ियों से जो हमें सीखना है वो है टेम्परामेंट, कंट्रोल। देखिए किस तरीके से दोनों ब्लैक को इजी कर दिया है। पोजीशन देखिए, पोजीशन अगर रीड करेंगे तो जहीर
अब इस माइंडसेट में होंगे कि मैं ये ब्रेक ले लूँ, सिर्फ ये ब्रेक मुझे जीतना है, फिर मेरा ब्रेक है। क्योंकि ये जो दिग्गज खिलाड़ी होते हैं ये खेलते ही है ब्रेक के ऊपर, इनकी जो तलवार होती है वो ब्रेक होती है। कैलकुलेशन में मिस्टेक तो ब्रेक पे उसको कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी गफलत हो गई है जहीर से, और यहाँ पे ये चांस नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। श्रीनिवास को एक सिर्फ वाइट कॉइन को पॉकेट करना है, जैसे ही वाइट को पॉकेट कर देंगे तो बची क्वीन, और कवर तो इस जगह पे है जैसे कोई उनको क्रेडिट दे दे। इस तरीके से 9 पॉइंट से ब्रेक मिलता हुआ, मेरे ख्याल से 9 पॉइंट का ब्रेक है और लीड पकड़ ली है श्रीनिवास ने। मैं बात कर रहा था जबकि चांस था जहीर को आगे जाने के लिए, हो गया थोड़ा सा उल्टा। श्रीनिवास पहुंच गए हैं 16 पॉइंट पर और पांचवी ब्रेक यहां पे ख़त्म होती हुई। फिफ्थ ब्रेक के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ के श्रीनिवास 16 दर्शाता हुआ, मतलब अभी हमें दिखेगा 16 vs 14। बहुत कांटे की टक्कर है दोनों खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन अभी भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जहीर नहीं करेंगे। लास्ट ब्रेक उनका ब्रेक तो बच गया था, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्रेक फेल होती हुई, लेकिन ठीक है, मतलब पोजीशन दोनों खिलाड़ियों के मुझे हार्ड दिख रही है, इट इज़ नॉट सो ईजी। अब क्या क्वीन को पॉकेट करेंगे, क्योंकि शॉट दिख रहा है ज़रूर, लेकिन कवर अगर नहीं है तो नहीं खेलेंगे। उन्हें भी पता है कि ये रिस्क वाला खेल अब नहीं चलेगा। हालांकि देखिए अपने ब्लैक को इजी करने की कोशिश में बहुत बेहतरीन खेलते हुए। अब यहाँ पे थम खेलते हुए जहीर, क्योंकि ब्रेक फेल हुई थी तो एक कॉइन तो उन्हें पॉकेट करनी थी। इसके बाद क्वीन को खेला, अरे थोड़ी धीमी गति से खेला था, ऐसे लगा कि क्वीन रुक रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट की क्वीन पॉकेट हो गई। कवर को देखिए किस तरीके से चूज़ किया, कनेक्शन था डिफ़िकल्ट था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उसको पॉकेट करने में कामयाब मिलते हुए जहीर, क्योंकि खेलना ही है इस ब्रेक में, उनको खेलना ही होगा। यहाँ पे एक हार्ड टच रिबॉन्ड का प्रयास था, फेल गए, और चांस मिलता हुआ फिर एक बार श्रीनिवास को। श्रीनिवास देखिए हर एक पोजीशन आप देखेंगे तो जहाँ पे जिस तरीके से जिस कंट्रोल से खेलते हैं, उसके बाद उनकी कोशिश रहती है कि अपोनेंट की कॉइन को डिफ़िकल्ट कर दे। यहाँ पे माइनस कट होगी और ब्लैक कॉइन को थोड़ा सा डिफ्लेट करने का प्रयास था। हालांकि उस ब्लैक कॉइन को मारते वक्त देखिए वाइट को डिफ्लेक्ट कर दिया। अब पोजीशन को रीड कर रहे हैं, 10 सेकंड का टाइम है उनके पास, खेल लिया इस ट्रिपल कनेक्शन को जिसमें एक वाइट थी, वाइट को बाजू में कर दिया है। फिर देखिए फिनिश की थिंकिंग है यहाँ पे, क्योंकि दो वाइट के बीच में जो ब्लैक है फ्रेम के नज़दीक वो भी पास है, ये भी जाने लगी है, और शायद अगर उस शॉट को जो लाइन पे है उसको हार्ड प्रेस खेलेंगे तो कुछ हो सकता है। हालांकि वही कोशिश थी, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं पाते हुए वो शॉट को फेल कर दिया है। अब जहीर 6 कॉइन ऊपर है वाइट, एक एक कॉइन करके फिनिश के लिए जाना होगा। बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेक है जहीर के लिए। ओहो, ये मिस्टेक नहीं चलेगी, फिनिश हो सकता था, शायद कोशिश भी वही थी, लेकिन थोड़े से गलत। यहाँ पे देखिए कट खेलने का प्रयास था, ब्लैक को बाहर निकालने का प्रयास था, लेकिन कट लगी नहीं, सिर्फ ब्लैक बाहर आ गई।
फिर एक बार अच्छा मौका जहीर के लिए, लेकिन क्या स्ट्रोक में कमजोरी है या फिर बोर्ड रुक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे शायद डिफेंस खेलेंगे ज़रूर, क्योंकि डिफेंस खेलना होगा। यस, यही कॉइन थी जिसकी वजह से जहीर को फिनिश हो सकता था। यहाँ पे हार्ड कॉइन खेलते हुए वाइट को रिलीज़ करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहते हुए जहीर। अब देखिए क्या ये मार्वलस कट हमें देखने मिलेगा या फिर डबल देखने मिलेगा। परफेक्ट, उन्होंने डबल खेल लिया। इसकी भी रीज़न है कि अगर कट लग के वापस रिटर्न आ गई तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। डबल में हालांकि नहीं भी गई तो कम से कम इजी तो रहेगी। यहाँ पे डबल का प्रयास रहेगा शायद। ओहो हो, अच्छी कोशिश लेकिन नाकामयाब कोशिश। यहाँ पे फिर एक बार अगर फिनिश कर दिया तो बोर्ड मिलता हुआ श्रीनिवास को। और थिंकिंग देखिए इस आदमी की, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ब्रेक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने लीड पकड़ ली है, इस लीड को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उस तरीके से मिनिमम एक का तो ब्रेक मैं ले ही लूँगा। अब देखते हैं, श्रीनिवास इज़ ऑन 17 एंड जहीर इज़ ऑन 14। पहले दो ब्रेक में जहीर ने 14 बनाए थे, लेकिन उसके बाद वाले चारों के चारों ब्रेक श्रीनिवास ले लिए है। क्या बात है, दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपनी अपनी तकनीक का प्रयोग करते हुए, अपने अपने स्पेशल शॉट्स दिखाते हुए इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, इस फाइनल को जीतने के प्रयास में। क्या बात है, दिस इज द सेकंड लास्ट ब्रेक। सीजर ग्रिप से खेला, ब्रेक फेल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर एक बार अच्छा मौका है जहीर को, देखते हैं किस तरीके से इस मौके का फायदा उठाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से खेला, मनचाही पोजीशन तो नहीं है, क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ग्लांस की कोशिश होगी और पॉकेट देखे, पॉकेट के नज़दीक जाके रुकती हुई ब्लैक। दोनों खिलाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। काटे की टक्कर चल रही है 14 vs 17। इस कंडीशन में अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को भी पूछ लूँ तो भी वो नहीं बता सकता कि कौन सा खिलाड़ी जीतेगा, शायद नासा को भी पता नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए रिबॉन्ड की कोशिश होगी, बहुत अच्छा है, इस तरीके से रिबॉन्ड को खेल दिया है कि ब्लैक को हार्ड कर दिया और अपने कॉइन को पॉकेट के नज़दीक रख दिया। यहाँ पे देखिए थर्ड खेलते हुए पोजीशन को ओपन करने का प्रयास था जहीर द्वारा, लेकिन नाकामयाबी हासिल होती हुई। बेहतरीन तरीके से खेलते हैं श्रीनिवास, बहुत शॉट से, बहुत पोजीशन हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है। अब देखिए बाहर का कनेक्शन, कोशिश करेंगे या तो फिर रिवर्स में पोजीशन को खेल लेंगे। क्लस्टर को ओपन कर दिया बैक पोजीशन में खींचते हुए। यहाँ पे देखिए परफेक्ट क्वीन के सामने ब्लैक को रख देंगे और आगे खेलेंगे। जहीर को अब हर एक कॉइन को बहुत ही परफेक्शन के साथ खेलना होगा, क्वीन कवर करना होगा। क्वीन को पॉकेट कर दिया है, प्रेस कवर खेलने का प्रयास है यहाँ पे। और अलग कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से प्रेस खेला था और इस प्रेस से शायद उन्हें फिनिश भी हो सकता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। 17 पे बैठे हैं श्रीनिवास, अगर फिनिश कर दिया
तो फिर हाथ मिलाना है। कोशिश तो ज़रूर करेंगे, देखते हैं कैलकुलेशन उन्होंने कर लिया होगा। अब अगर ये डबल टच पॉकेट हो गई, इजी खेल दिया, क्या बात है। देखो ये होती है महान खिलाड़ी की पहचान। अगर चाहते तो 17 और 8 25 कर सकते हैं रिस्क लेके, लेकिन नहीं, उनके हिसाब से क्या बात है बेहतरीन खेलते हुए यहाँ पे। अगर ये फिनिश होता है तो 17 ऑल हो जाएगा। अब शायद वो सोचते होंगे कि अगर मैंने डबल टच कोशिश की होती और वो अगर जाती तो उन्हें 8 का ब्रेक मिल सकता था। लेकिन हर एक खिलाड़ी की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी प्लानिंग होती है, अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है, तो उस हिसाब से खेले श्रीनिवास। और अब डू और डाई सिचुएशन है दोनों खिलाड़ियों के लिए, करो या मरो। इस बोर्ड को या तो जीतो या इस मैच को हारो, दोनों में से एक। फाइनल बोर्ड ऑफ द सेकंड सेट। हालांकि श्रीनिवास को वैसे टेंशन नहीं है क्योंकि उन्होंने पहला सेट जीत लिया है, तो उनके लिए थर्ड सेट खेलना होगा। बट ज़्यादा प्रेशर है जहीर के ऊपर। लेकिन आप देख सकते हो, आप कैमरे में जहीर का हमें फेस दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है चेहरे पे। अंदर क्या चल रहा है उन्हें ही पता, बट बादशाह जैसे बैठते हो। हालांकि बहुत बेहतरीन तरीके का ब्रेक यहाँ पे, लास्ट ब्रेक है 17 ऑल आफ्टर 7 ब्रेक। जो इस ब्रेक को जीतेगा वो इस सेट को जीतेगा। अगर श्रीनिवास ने इस ब्रेक को जीत लिया तो ये मैच ही वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर जहीर ने जीत लिया तो वनिज हो सकता है, थर्ड सेट की आगाज़ या फिर शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे देखिए, ब्लैक से अपनी वाइट पोजीशन को इजी कर दिया है। क्या परफेक्शन है, देखिए ब्लैक को लेके आए हैं उस वाइट के परफेक्ट सामने, जिस वाइट से जहीर पोजीशन बना सकते थे। ओहो, बहुत अच्छी कोशिश। अब किस तरीके से जहीर इस पोजीशन को हैंडल करेंगे देखना है। क्या बात है, बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन थोड़े से नाराज़ होते हुए, क्योंकि जिस तरीके की पोजीशन उन्हें चाहिए थी वो नहीं मिली। हालांकि अब देखिए, अब उस तरीके से पोजीशन को ओपन किया है जिसमें श्रीनिवास को बहुत तगड़ा खेल खेलना पड़ेगा। ओ माई गॉड, यहाँ पे क्या होगा ये नहीं बता सकते। ऊपर की कट खेल रहे हैं शायद, नहीं। क्या बात है, दोनों वाइट को पॉकेट करेंगे पहले और फिर ज़रूर क्वीन का कनेक्शन खेलेंगे। हल्के से नीचे वाले ब्लैक्स की कनेक्शन और फिर ये हो गया है 1-2। क्या बात है, मैंने कहा था दोनों खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, तो इतने इजी नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 1-2 हो चुका है। 2 मिनट का ब्रेक ज़रूर रहेगा या फिर ब्रेक लेंगे भी नहीं, क्योंकि आजकल ज़्यादा ब्रेक कोई लेता नहीं। बहुत दिग्गज खिलाड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे और बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। मैंने कहा था दर्शकों से, कैरम ये खेल, इस खेल को हम जिस तरीके से देखते हैं, किसी किसी को लगता होगा बहुत इजी है, सामने कॉइन है भाई स्ट्राइकर से पॉकेट कर दो, वैसे नहीं है। इस गेम में बहुत ज़्यादा जान देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ जितनी शक्ति लगानी पड़ती है, जितनी बुद्धि यूज़ करनी पड़ती है चेस खेलते वक्त, उतना ही टैलेंट लगता है कैरम खेलने में। उसी तरीके से
पोजीशन हैंडलिंग को देखना पड़ता है। अब मैच में मज़ा होगा, अब मैच में एक रोमांच होगा और अब दोनों खिलाड़ी तगड़े खेलने के प्रयास में, क्योंकि ये फाइनल है और फाइनल का मुकाबला इस तरीके से ही होना चाहिए, तभी जाके वो फाइनल रखती है। वन ईच हुआ है जहीर पाशा वर्सेस श्रीनिवास। जहीर पाशा फ्रॉम RBI, श्रीनिवास फ्रॉम PSPB। 49वीं सीनियर नेशनल कैरम चैम्पियनशिप 2021-22 में खिलाई जा रही है। श्री हलारी विशा ओसवाल हॉल दादर ईस्ट। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, इक्विपमेंट पार्टनर जो है जिनकी वजह से यहाँ पे कैरम के पूरे पूरे सेट मिल चुके हैं, वो है सुरको कैरम बोर्ड। इसके टाइटल स्पॉन्सर जो है, मैं खास इनका नाम लेना चाहूँगा, LIC ऑफ इंडिया। हर बार यहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलती है, दे आर वेरी सपोर्टिव। प्लैटिनम स्पॉन्सर भी हमेशा इन बैंकों से हमें मिलती है, इसका मैं नाम लेना चाहूँगा, इंडियन ऑयल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, बैंक ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इस प्रतियोगिता में जो पार्टिसिपेशन है उसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो 229 खिलाड़ियों ने और 194 महिला खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता को चालू कर दिया था 3 दिन पहले, इसकी शुरुआत हुई थी। आज छठा दिन है और गुड़ी पाड़वा का दिन है। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को बहुत ही धार्मिक रूप से मनाया जाता है। सभी के घर पे कुछ मीठा खाना होता है और उसके साथ साथ अगर इस मैच जैसे लाइव मैच की कमेंट्री के साथ रिले हो तो क्या कहने। मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि बहुत सौभाग्य है महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन का, जो तीसरी बार लगातार हम नेशनल कंडक्ट कर रहे हैं। हैट्रिक है नेशनल की यहाँ पे महाराष्ट्र में, जो पहले उड़ाल में हुई थी, उसके बाद जलगांव में हुई थी और ये थर्ड टाइम मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में। चलिए 2 ही मिनट में इस मैच को शुरुआत करेंगे, थर्ड सेट को शुरुआत करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो खेल होगा वो फाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं। मैच चल रहा है के श्रीनिवास PSPB वर्सेस जहीर पाशा RBI। दोनों दिग्गज खिलाड़ी और दोनों की कैपेसिटी के हिसाब से दोनों ने 1 ईच कर दिया है, एक एक सेट को जीता है। हालांकि श्रीनिवास बहुत बेहतरीन तरीके से कमबैक किए थे, सेकेंड ब्रेक में पीछे चल रहे थे 14 रन से, लेकिन फिर पोजीशन ऐसे कुछ आ गई थी कि 17-14 के बाद सेकेंड लास्ट ब्रेक में 3 का ब्रेक ले लिया जहीर ने, 17 ईच कर दिया और उसके बाद लास्ट ब्रेक उन्होंने जीत लिया। आगे हैं दोनों खिलाड़ी अपनी जगह पे वापस। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपने कुछ टी ब्रेक या फिर जो भी कोई ब्रेक लिया है तो वापस जुड़ जाइए इस कैरम मैच में जो लाइव चल रही है आपके सामने, इंस्टीट्यूशनल की फाइनल। मैं बताना चाहूँगा, अगर मुझे कुछ आइडिया मिलता है तो मैं आप दर्शकों से बताना चाहूँगा कि जो दूसरी मैच चालू है प्रशांत मोरे वर्सेस गुफरान, उसका अगर कुछ मुझे स्कोर समझ में आता है तो मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा। और जैसे कि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी बहुत दर्शक मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मैं लाइव कर रहा हूँ इस मैच को, तो
फिर एक बार मैं दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा मेरे तहे दिल से उनका स्वागत, क्योंकि देखिए एक बात तो सच है, कोई भी गेम, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मूवी, कोई भी फाइनल मैच दर्शकों के बिना उसे अपना महत्व प्राप्त नहीं है। दर्शक जो है, ग्यारह प्रेमी जो है, वो जब इस मैच को देखते हैं तब जाके जो हम बोलते हैं ना उसकी रिसिप्ट मिलती है कि इस गेम की शुरुआत होने जा रही है। थर्ड सेट यहाँ पे ज़हीर पाशा द्वारा ब्रेक कर दिया है। चलिए जुड़ जाइए, दर्शकों को मेरा निवेदन है, तीसरा सेट चालू हो चुका है। सीजर ग्रिप से थंब को खेल दिया है, थोड़ा सा प्रेस करके ब्लैक को पॉकेट करने का प्रयास था, यहाँ पे कोशिश थी, लेकिन स्ट्रोक थोड़ा धीमा हो गया और वाइट पॉकेट के नज़दीक जाके रुकती हुई। यहाँ पे देखिए श्रीनिवास कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस लेवल उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए क्वीन को बंद कर दिया उन्होंने, अब कुछ तगड़ा शॉट खेलने की जरूरत। यहाँ पे अपने ब्लैक कॉइन को इजी करने का प्रयास और वाइट को डिफिकल्ट कर दिया है। मैंने कहा था चेस में जितनी ब्रेन यूज़ करनी पड़ती है उतनी ही कैरम में करनी पड़ती है। क्या बात है, बेहतरीन कंट्रोल के साथ थर्ड पॉकेट को खेल दिया है इस खिलाड़ी ने, और पॉकेट के ऊपर उसको ऐसे रख दिया मानो कि कोई जवान खड़ा हो भारतीय सेना का अपने बॉर्डर पे। तो यहाँ पे फिर एक बार पोजीशन को डेलिकेटली बहुत ही समझदारी से खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी, क्योंकि वो ये लास्ट सेट है, इस सेट को जीतने वाला खिलाड़ी यहाँ पे इस मैच को जीतेगा। क्या बात है, मेरे साथी कमेंटेटर ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दलवी सर का, कि उन्होंने खुद यहाँ से जाकर जो सेकेंड सेमीफाइनल फाइनल का मुकाबला चालू है तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पहले सेट में प्रशांत मोरे वर्सेस उफरान में 25-0 प्रशांत मोरे ने पहला सेट जीत लिया था। क्या बात है, लेकिन सेकेंड सेट 19-24 उफरान ने जीत लिया है और उनमें भी ये थर्ड सेट चालू हो चुका है। तो देखिए ये दो इंस्टीट्यूशन में जो फाइनल का मुकाबला चल रहा है दोनों जगह पर कांटे की टक्कर है। क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों जगह पे जो खिलाड़ी है वो एक से बढ़कर एक है। हालांकि हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि कोई मैच में, इन दोनों मैच में क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि दोनों जगह पे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन को इजी कर देंगे अपने हाथ के यहाँ पे, या फिर ब्लैक को निकाल दिया, क्योंकि उस ब्लैक की वजह से क्वीन का एंगल नहीं मिल रहा। 5 ब्लैक कॉइन में से श्रीनिवास ने एक ब्लैक कॉइन को पॉकेट कर दिया है। यहाँ पे देखो डिफ्लेक्शन थोड़ा ज़रूर होगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर दिया, देखो क्वीन को फिर एक बार डिफिकल्ट कर दिया है, और यहाँ इस ब्लैक को हुक का खेलने का प्रयास होगा ज़रूर। देखिए क्यों, क्योंकि दिस इज़ द पोजिशन, यहाँ अब वापिस एक हुक का प्रयास होगा। अगर ये गई, नहीं गई तो भी देखिए क्या हुआ, अगर ये नहीं भी जा रही है तो भी क्वीन ज़हीर ने अगर पॉकेट कर दी तो ठीक है, नहीं तो फिर श्रीनिवास को एक चांस होल्डर मिलता हुआ। यहाँ पे देखिए शायद डबल टच खेलेंगे थंब से, और जंप करके पॉकेट में चली गई क्वीन, मतलब क्वीन का भी कहना है कि मुझे जाना ही है, और इस तरीके से फोर को जीत लिया है। फर्स्ट ब्रेक को अपने दिमाग को यूज़ करते हुए
परफेक्शन को यूज़ करते हुए, टेक्निक को यूज़ करते हुए जीत लिया है श्रीनिवास ने 4 पॉइंट से। हालांकि बहुत अच्छे खेले थे रहीर, लेकिन जो एग्जैक्ट पोजीशन पे खेलता है और एग्जैक्ट टाइम पे फिनिश कर लेता है, हालांकि वो जीत जाता है। अब देखिए सेकेंड ब्रेक की आगाज़ होगी, शुरुआत होगी, स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ। फर्स्ट ब्रेक, पहले ब्रेक के बाद श्रीनिवास डेफिनेटली, लेकिन 7 ब्रेक अभी भी शेष है, बाकी है, आने हैं। यहाँ पे ब्रेक को सेट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं श्रीनिवास। अगर हम देखेंगे तो मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ कि जब तक उनके माइंड में जो ब्रेक है वैसा नहीं लगता तब तक वो ब्रेक को सेट करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक को सेट करने की क्रिया जारी है अभी भी श्रीनिवास द्वारा। अब रेफरी की अनुमति, परमिशन और एक तगड़ा ब्रेक जरूर खेलेंगे। सीजर ग्रिप से ब्रेक करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया है, पोजीशन को निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ूं। हालांकि जितनी ओपन कॉइन्स है उन्हें पहले पॉकेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे वॉर्म का इस्तेमाल करेंगे शायद, अगर ये अच्छी तरीके से खेल लिया तो। अब तो ओपन तो हो गया है सब कुछ, लेकिन क्या विदाउट टच पॉकेट करेंगे? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। यहाँ पे अब वापस एक बार क्वीन को शार्प कट खेलेंगे। ओ माय गॉड, अब जहीर का 10 है, कनेक्शन को पास कर दिया। खेलना ही पड़ेगा क्वीन को, कोई दूसरा चारा ही नहीं है। क्वीन को पॉकेट कर लिया, फिर जो कनेक्शन खेला था उस ब्लैक को कवर के माध्यम में पॉकेट कर दिया है। यहाँ पे फिर एक ब्लैक को पॉकेट करते हुए आगे बढ़ते हैं जहीर। यहाँ पे थोड़ा हार्ड स्ट्रोक होगा ज़रूर। ओहो, स्ट्रोक था जिससे दो ब्लैक कॉइन को इजी कर दिया था। अब यहाँ पे देखना है, 4 व्हाइट कॉइन अलग अलग दिशा में है, ओपन है। 2 को पॉकेट कर दिया, तीसरे को करते वक्त थोड़े से गलत स्ट्रोक होने के बावजूद वजह से कॉइन नहीं पॉकेट हो पाई। यहाँ पे देखिए जहीर इसका फ़ायदा उठाते हुए, ये देखिए ये स्लीप शॉट है, ये देखिए अगर ये स्लीप होता स्ट्राइकर तो एक बाहर, शायद उन्होंने रनिंग स्ट्राइकर पकड़ लिया है तो फाउल है, और फाउल मतलब पेनल्टी के माध्यम से एक कॉइन यहाँ पे ऊपर होगी। मेरे ख्याल से ये रनिंग नहीं है, शायद बॉल कट होगा क्योंकि रेफरी की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, बट हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद बॉल पे से उन्होंने खेला तो कहीं ना कहीं बॉल कट होगा। ये अगर कट लगती है तो देखिए श्रीनिवास किस तरीके से इजी फिनिश की ओर बढ़ते हुए फिनिश कर दिया है। 5 पॉइंट से अगर क्वीन मिलती तो ये 8 पॉइंट होते, बट क्वीन इनकी गलत गई जिसका फ़ायदा उठाया था जहीर ने। लेकिन दूसरे ब्रेक के पश्चात स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 9-0। श्रीनिवास फ्रॉम PSPB 9 पॉइंट पे खेलते हुए, और जहीर ने इस सेट में अभी तक अपना खाता नहीं खोला। ब्रेक अब जहीर की है, जहीर कोशिश कर रहे हैं ब्रेक को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलने की, बट कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। शायद ये मिसिंग प्रेशर की वजह से है या फिर कुछ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से है, वी रियली डोंट नो। यहाँ पे देखिए जहीर सेट लगाते हुए ब्रेक का
ब्रेक को खेलने के बाद पोजीशन को जरूर निहारेंगे। सीजर ग्रिप से ये भी ब्रेक करते हैं और यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेक किया है जहीर ने। ब्रेक में कॉइन को पॉकेट कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड हैंड से थंब से उन्होंने थंब की पोजीशन को खेल लिया है। देखिए ज़्यादा सोचते नहीं है, ओपन कॉइन को फटाफट पॉकेट कर लेते हैं। फिर एक बार वो चौका मुझे अभी भी दिख रहा है, लेकिन क्या अब ये वाइट पे से कोशिश करेंगे या फिर नहीं उसको रिलीज़ कर देंगे। देखिए ये होता है समझदारी वाला खेल, क्यों? क्योंकि अगर कुछ गलत होता तो श्रीनिवास तो नो मिसिंग पॉकेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता था। इसलिए ब्रेक लगा दिया अपने इच्छाओं को और हल्के से क्लस्टर को ओपन कर दिया। यहाँ पे श्रीनिवास ने दो ब्लैक कॉइन को पॉकेट कर दिया और अब थोड़े से सोचते हुए देखते हुए कि क्या करना है। देखिए क्वीन को ओपन करने का प्रयास था, हालांकि क्वीन को नज़दीक लेने का प्रयास था बट वैसे नहीं हो पाया। यहाँ पे 1/2 का चांस है लेकिन गलत जाता हुआ, जो जैसे चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब क्वीन को खेलेंगे जहीर, क्वीन को पॉकेट कर दिया, हालांकि ब्रश होते हुए चली गई है। इसका फ़ायदा हो सकता है, इस ब्रश की वजह से यहाँ पे क्या हुआ पता नहीं है। यहाँ पे कवर खेलते वक्त फिर एक बार फाउल जहीर का, मेरे ख्याल से टर्न भी गया होगा, क्वीन भी ऊपर आएगी और एक कॉइन भी ऊपर आएगी। क्वीन कवर उन्होंने कर दिया था और बाद में टेक्निकल फाउल हो गया, परफेक्ट। ये टेक्निकल फाउल था इसलिए सिर्फ एक पेनल्टी के माध्यम से एक कॉइन ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे देखिए सारे ब्लैक कॉइन को एक ही साथ में रिलीज करने का प्रयास यहाँ पे, ये अच्छी कोशिश है जहीर द्वारा। अगर ये कनेक्शन लग गया तो वाइट को ईजी कर देंगे। उसी वाइट को खेलते वक्त उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल दिखाया, ये स्टैंडिंग कट है, वाव बहुत अच्छी तरीके का प्रयास था। लेकिन क्या उन्होंने श्रीनिवास का बम देखा है? देखा तो ज़रूर होगा, यहाँ पे कोशिश होगी थंब खेलने की शायद से, या फिर बम से कुछ ना कुछ कर लेंगे श्रीनिवास। लॉक भी कर सकते हैं उस ब्लैक को, और अब अगर ये थम गई या फिर पीछे लेने का प्रयास है। देखिए नुकसान कुछ नहीं है, अगर जहीर को ये ब्रेक जीतना है तो कुछ आउटस्टैंडिंग खेलना पड़ेगा, जिसकी कोशिश कर रहे हैं वो। ये देखिए कोशिश तो की थी लेकिन अब मेरे ख्याल से ब्लैक को डिफ्लेक्ट करना है या फिर एक बार वही तगड़ा रिबॉन्ड। नो, उन्होंने हल्के हाथों से खेल लिया है और पोजीशन साउंड पोजीशन पर रखा है यहाँ पे, लेकिन डिफेंसिव ज़रूर खेलेंगे श्रीनिवास। अब डिफ़िकल्ट पोजीशन है जहीर के लिए, हल्का वहाँ पे रख देंगे सामने, क्या बात है, व्हाट अ कंट्रोल। पर ये अगर शॉट गई रिवर्स में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो गई, क्या बात है, क्या बात है। श्रीनिवास की आंखें बहुत बेहतरीन तरीके से, देखो लास्ट कॉइन के लिए थोड़ा टाइम लिया है ना, तो यहाँ पे ये भी ब्रेक हाथों से चली गई है, अब क्या करें। बहुत ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन श्रीनिवास द्वारा। यहाँ पे देखना है कि क्वीन और कवर जहीर ने कर ली थी, इसलिए स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाया जाएगा 11 पॉइंट श्रीनिवास के।
एक कॉइन था तो 10 कॉइन हो जाएंगे, 10 पॉइंट हो जाएंगे, दो कॉइन थी श्रीनिवास की, माय मिस्टेक। क्या बात है, दर्शक देख रहेंगे इस तगड़े मुकाबले को जो चल रहा है श्रीनिवास वर्सेस श्रेयस पाशा, और श्रीनिवास अपने क्वालिटी को शो करते हुए, ज़हीर पाशा अपने टेक्निक को शो करते हुए, दोनों ने वनिच कर लिया है। तीसरा गेम जहाँ पे ये जारी है, अब तक के 3 ब्रेक में श्रीनिवास ने 10 पॉइंट जमा लिए और ज़हीर को एक भी ब्रेक जीतने नहीं दिया। अब ज़हीर को मैंने कहा था कुछ अलग खेलना होगा, कुछ परे खेलना होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स खेलना होगा, और हमने देखा है कैरम में ये अक्सर होता है। क्रूशल मोमेंट पे कितनी बार लास्ट ब्रेक जब 12 की चाहिए या फिर 10 की चाहिए, 11 की चाहिए, तब बहुत सारे ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के दम पर, परफेक्शन के दम पर उस मैच को जीता हुआ है। तो यहाँ पे चौथी ब्रेक की आगाज बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रेक करते हैं, हमेशा से मैं कहता हूँ कि इनका ब्रेक एक बहुत बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है। यहाँ पे सोच रहे क्या करूँ, विन को अंदर डाल दूँ, चलो आखिर में क्वीन को थोड़ा सा इनसाइड ढकेल दिया है। यहाँ पे जो बम है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह उन्हें इस्तेमाल वो कर नहीं सकते थे उसको। क्या बात थी, अगर ये हार्ड कट का प्रयास था यहाँ पे, अब चांस मिला है ज़हीर को। देखिए किस तरीके से पोजीशन को खेलते हैं और बिंदास खेलते हैं, कोई डर नहीं है मन में, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, और जितनी भी ओपन कॉइन है उसे खेलने के लिए थोड़े भी हिचकिचाते नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन तरीके का पंच है यहाँ पर दिखता हुआ। अब बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन को हैंडल किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बैड लक हम बोल सकते हैं कि क्वीन और ब्लैक की पोजीशन ओपन नहीं हुई, इसमें करने की कोशिश होगी। नहीं नहीं नहीं, अब क्या खेलेंगे, अब ब्लैक को प्रेस करेंगे। क्या बात है, ये है इनकी टेक्निक, बेहतरीन तरीके से खेलते हुए ज़हीर पाशा आ गए लास्ट कॉइन पे और तालियों से गूंज रहा है आसमान, क्योंकि इस तरीके का फिल्म देखने के लिए आंखें तरस गई थी। जो दर्शक है, जो ज़हीर के प्रेमी हैं, उनके आंखें तरस गई थी इस तरीके का फिनिश देखने के लिए। तो यहाँ पे साइड चेंज होता हुआ, क्योंकि दिस इज़ द थंब रूल, 4 ब्रेक के पश्चात या फिर 13 स्कोर के बाद साइड चेंज की जाती है। तो यहाँ पे साइड चेंज होता हुआ, यहाँ पे स्कोर बोर्ड भी चेंज होगा। देखिए एक सिर्फ एक बटन को दबाते हैं तो अपने आप ये डिजिटल स्कोर बोर्ड है, जो बहुत अच्छी टेक्निक है, और सच में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा परिवर्तन आज हमें दिखता है कैरम इस खेल में। आज से 10-15 साल पीछे YouTube लाइव मैचेस नहीं हुआ करती थी लाइव, आज लोगों को घर बैठे बहुत अच्छी अच्छी मैच का प्रदर्शन मिलता है। तो ये सारा परिवर्तन डिजिटल मीडिया की ओर से, और MCA महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि इस तकनीक को यूज़ करते हुए कैरम को एक ऐसे मकाम पे लाकर रखा है कि आज देखिए ऐसी टूर्नामेंट्स जो AC हॉल में कंडक्ट की जाती है, लोगों को सुकून मिलता है, खिलाड़ियों को सुकून मिलता है, और उस वजह से कैरम में कोई डिफरेंस नहीं आता या उस खेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलिए फिर एक बार रुक करते हैं, गौर करते हैं इस मैच की तरफ। ज़हीर ने ब्रेक किया है, 5वां ब्रेक यहाँ पे आगाज़ हो चुका है।
और थोड़ा सा हल्का ग्लांस खेलेंगे क्योंकि पीछे और एक वाइट है, उसको पॉकेट करनी है उनको। अब देखिए, अब थोड़ा सा रीड करेंगे, हालांकि बीच की वाइट है, उसके पहले ऊपर एक वाइट है, उसको खेलेंगे ज़रूर। तो मुझे दिख रहा है वो बहुत ऐसे दिख रहा है कि शायद इस कनेक्शन को नहीं खेलते हुए, देखिए अब चॉइस है उनके पास। क्या बात है, अब डेफिनेटली क्वीन के सामने जो वाइट दिख रही है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पॉकेट पे जाने वाली, उसको खेले, इसके बाद क्वीन को खेलेंगे या नहीं। यस, क्वीन को खेल रहे हैं। ओह माय गॉड, हालांकि वहाँ पे टकराने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन ब्लैक को टकरा गई है क्वीन, और अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है श्रीनिवास के पास। देखिए सीजर ग्रिप से क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। ये डेयरिंग इस आदमी में है कि कवर को इजी कर दिया सीजर ग्रिप से, क्वीन को खेलते हुए कवर को पॉकेट कर दिया है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए इस खेल, इसको टच पर पॉकेट करेंगे और एक बम को क्रिएट कर दिया फिर एक बार। अब शायद स्टैंडिंग पोजीशन पे कट खेलते हुए पंच करेंगे या फिर इस बम से लंबे वाले कॉइन्स को नज़दीक लेके आएंगे। नहीं, देखिए यहाँ पे स्टैंडिंग कट खेलते हुए पंच का प्रयास, लेकिन नहीं हुआ। और ये मेरे ख्याल से अब ब्लैक को ग्लांस करके रिबाउंड खेलेंगे। ओ, क्या बात थी, क्या बात थी, बहुत अच्छी तरीके से खेलने का प्रयास था यहाँ पे। अब टेंशन है, देखते इस डेलिकेट सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, देखते। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए वाइट कॉइन को, देखो दो, एक वाइट को हार्ड तो कर दिया है, अगर जहीर ने उसको डबल टच पॉकेट कर दिया, कोशिश तो वही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ब्लैक कॉइन को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई। अब एक डिफ़िकल्ट, जब सर के ऊपर पानी चला जाए तभी डिफेंस में जाते हैं, वरना खेलते खेलते डिफेंस करना, ओहो, अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कट बैक की पोजीशन खेलेंगे जरूर, सेम पोजीशन इनकी भी आ गई है। अब देखते हैं जहीर, बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न खेल दिया है और बैलेंस पे इसको पॉकेट करने का प्रयास करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो अब जहीर धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। क्वीन को बहुत गलत और बहुत ही ख़राब तरीके से ब्लैक के ऊपर ठोक दिया था। अगर वो क्वीन उस वक्त पॉकेट हो जाती तो शायद यहाँ पे स्कोर बोर्ड कुछ अलग होता। लेकिन अब देखिए कांटे की टक्कर, मैं वापस लोगों से, दर्शकों से, कारम प्रेमियों से ये बताना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत में ये कहा था कि ये मैच बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। हालांकि 5 ब्रेक हो चुके हैं और 10 ऑल स्कोर है। जहीर पाशा RBI वर्सेस के श्रीनिवास, देखिए छठे ब्रेक की आगाज होने जा रही है, शुरुआत होने जा रही है। बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेक, बहुत इम्पोर्टेंट गेम दोनों खिलाड़ियों के लिए। अभी भी प्रशांत मोरे वर्सेस गुफरान की मैच अभी भी जारी है और दोनों मैच में उतने ही दर्शक भीड़ करते हुए इस मैच को देख रहे हैं। लेकिन दर्शकों से मेरा निवेदन है, आप घर बैठे इस बेहतरीन खेल का अपने जगह से मज़ा ले लें, क्योंकि क्या होता है लाइव में आपको हर एक
शॉट देखने मिलता है इजी वे से। तो यहाँ पे पांच ब्रेक के पश्चात स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 10-10। श्रीनिवास देखो ब्रेक लगाने के लिए बहुत अच्छा समय लेते हैं, क्योंकि जब तक उनके मन सनी का ब्रेक नहीं लगता तब तक, और ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने मिनट में या इतने सेकंड में ब्रेक लगाना चाहिए, तो वो पूरा टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं। हालांकि देखिए ब्रेक, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ग्लांस करते हुए शॉट को खेलने का प्रयास, लेकिन डिफिकल्ट जाता हुआ। और अब मुझे जो दिख रहा है वो कुछ अलग नज़ारा है। यहाँ पे माय गॉड, सही डिसीजन है, शायद उन्होंने उस ब्लैक को नहीं खेला। क्यों नहीं खेला हमें पता नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर एक बार गलत स्ट्रोक खेलते हुए मिस कर दी, और अब ज़रूर खेलेंगे क्वीन को। क्वीन खेलते वक्त फ्रेम की ब्लैक को भी रिलीज़ करेंगे, सोचेंगे कि हाँ हम रखे, लेकिन फिर एक बार डबल माइंड में रुके और उसी पॉइंट को पॉकेट कर दिया। तो क्वीन कवर बाय जहीर पाशा। अब धीरे धीरे हो पोजिशन शॉट था, उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, लेकिन अब खेलना तो वही पड़ेगा। ज़ोर से खेलेंगे ज़रूर फिर एक बार, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन देखने गए तो ये फिनिश हो सकता है श्रीनिवास को। क्या बात है, कंट्रोल देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिख रही है फ्रेम में, वो सिचुएशन कनेक्शन में जाने लायक दिख रही है। और कंट्रोल देखिए, अब ये ऊपर वाली ब्लैक वाइट को ज़रूर खेलेंगे। अब मेरे ख्याल से फिनिश के लिए जाएंगे, क्योंकि वाइट का ट्रिपल कनेक्शन ब्लैक को निकाल देगा। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है। देखिए यहाँ पे देखिए, शायद स्ट्रोक थोड़े जोर से लग गया और गलत स्ट्रोक हुआ, लेकिन जहीर के लिए थोड़ा सा पोजीशन डिफिकल्ट मुझे दिख तो रहा है। देखिए इस थंब को खेलने के बाद अब समझदारी वाला खेल यहाँ पे जहीर द्वारा, क्योंकि ये ब्लैक की जो पोजीशन है वो गलत लग गया, बहुत ही गलत। वो सोच रहे थे जो नहीं हो पाया। फिर एक बार श्रीनिवास से बहुत इजी पॉइंट को मिस कर दिया श्रीनिवास ने। अब डिफ़िकल्ट करने की कोशिश थी और इस बार कोई गलती नहीं है। बहुत ही नर्वस हुए होंगे जहीर, क्योंकि यहाँ पे देखो उन्हें जो करना था वो नहीं हो पाया। वो अपने पोजीशन को रिलीज़ कर रहे थे वाइट को ब्लैक के दोनों ब्लैक के ऊपर डाल, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी उन्हें एक चांस मिला था, और उसमें भी वो डिफ़िकल्ट नहीं कर पाए वाइट को। नर्वस हो गए, लेकिन फिर भी पेनल्टी ज़्यादा नहीं है, 3 स्कोर का डिफरेंस है दोनों के बीच, 3 पॉइंट का डिफरेंस है। 6 ब्रेक हो चुके हैं, श्रीनिवास 13 पर है, जहीर पाशा 10 पर है। ये सेकेंड लास्ट ब्रेक इस सेट का है, लेकिन जहीर का ये लास्ट ब्रेक है, आखिरी हथियार उन्हें उठाना है, और सीजन ग्रिप से ये ब्रेक इन्होंने कर दिया। ब्रेक गलत कॉइन पे हो गया, इसलिए कोई वाइट कॉइन पॉकेट नहीं हो पाई, लेकिन अच्छी तरीके से खुला हुआ ब्रेक है, डिफ़िकल्ट फॉर श्रीनिवास। देखते हैं किस तरीके से आप खेलेंगे। हालांकि इस
माध्यम से इन्हें खेलना था वो सक्सेस नहीं हो पाया, और बहुत अच्छा चांस है ज़हीर के पास कैपिटलाइज करने के लिए, जो लास्ट ब्रेक इनके हाथों से गई थी उसको ज़रूर यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे। क्या बात है, दोनों वाइट कॉइन को बहुत बेहतरीन तरीके से ओपन कर लिया है और धीरे धीरे देखिए अब यहाँ पे और एक इस वाइट को अगर पॉकेट कर दिया तो रास्ता खुल जाएगा। ओहो, बहुत नज़दीक आकर रुके। अगर ये कॉइन पॉकेट होती तो शायद क्वीन को खेलते। गोल्डन चांस है श्रीनिवास को, दो ब्लैक कॉइन को पॉकेट करने में कामयाबी मिलती हुई। यहाँ पे देखिए शायद ब्लैक को पॉकेट करते वक्त क्वीन को नीचे लेके जाएंगे और दफन कर दिया क्वीन को। अब सोच रहे और किस तरीके से। ओहो, अच्छी कोशिश, बेहतरीन कोशिश थी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ज़हीर ने चाहा और ज़हीर ने उस तरीके से खेला तो ये फिनिश हो सकता है, क्योंकि अभी भी उनके हाथ में बॉम्ब है। ओह, ये कोशिश नाकामयाब होती हुई, और देखिए नर्वस बॉम्ब था, बॉम्ब से उस पोजीशन को रिलीज़ कर सकते थे, लेकिन कुछ उनके माइंड में अलग होगा शायद से, हमें पता नहीं है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे श्रीनिवास द्वारा भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दिखते हुए अब दोनों खिलाड़ियों में थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है हमें। देखिए फिर भी परफेक्शन जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्वीन और कवर को पॉकेट कर दिया, और अब इस कॉइन को शायद बॉल पे से राइट लेफ्ट हैंड कॉर्नर, सामने वाले कॉर्नर के पॉकेट में खेलने का प्रयास होगा। नहीं, उन्होंने जस्ट उसको रिलीज कर दिया। सही बात है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बड़ा ही ब्रेक चाहिए, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि ब्रेक भी मिल जाए तो भी कुछ हो सकता है। ओहो हो, यहाँ पे मिस करते हुए और सात ब्रेक के पश्चात सात का ब्रेक मिलता हुआ ज़हीर पाशा को। देखिए सेकेंड लास्ट ब्रेक है और सेकेंड लास्ट ब्रेक में सात का पॉइंट ले लिया है ज़हीर पाशा ने। अब स्कोर बोर्ड पे ज़रूर स्कोर दर्शाता हुआ 17 ज़हीर पाशा वर्सेस 13 श्रीनिवास, 4 पॉइंट का डिफरेंस, लास्ट ब्रेक बाकी, और वो ब्रेक है श्रीनिवास का, बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेक दोनों खिलाड़ियों के लिए। देखते हैं एंडिंग पोजीशन पे हम आ चुके हैं मैच के, क्या मैच हुआ है अब तक के जीत इस बोर्ड के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी खिलाड़ी की जीत होने वाली है। लेकिन अब तक के जो इन दो खिलाड़ियों ने हमें एंटरटेन किया है इनके टेक्निक से, इनके अलग अलग शॉट से, मैं सच में इन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हालांकि हार जीत तो हर मैच में होती है, हर गेम में होती है, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने अपने तरीके से, अपने अलग अलग शॉट से हमें खुश कर दिया। यहाँ पे देखिए कंप्लीट ब्रेक फेल और दोनों पॉकेट पे दो ब्लैक हमें दिखती हुई, लेकिन फिर भी हो कुछ भी सकता है। यहाँ पे देखिए ब्लैक का कनेक्शन करने की कोशिश, और शायद ब्लैक को खींचते हुए क्वीन को अपने नज़दीक लेने का प्रयास था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब देखो श्रीनिवास जगह बना रहे हैं क्वीन को पॉकेट करने के लिए। यहाँ पे
क्वीन बहुत इम्पोर्टेंट थी जहीर के लिए, बट उसी क्वीन को सामने रख दिया श्रीनिवास के। अब कवर की कोशिश बहुत इजी तरीके से कवर पॉकेट कर दिया है। यहाँ से ब्लैक को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे। इसका रीज़न यह है कि जब ये वाइट वो खेलेंगे उसके बाद क्या वो कनेक्ट करना चाहेंगे या फिर कुछ अलग सोच रहे हैं। थर्ड पॉकेट खेलेंगे। ओहो, अगर ये जाती तो कुछ अलग हो सकता था। देखना है अभी कम से कम। बहुत अच्छी तरीके से डिफ़िकल्ट कॉइन को जहीर ने इजी करके ले लिया है, क्योंकि यही वो कॉइन है जो बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देगी। अब धीरे धीरे हर एक कॉइन को खेलेंगे जहीर। ओहो, देखिए कंट्रोल, देखिए कॉइन को वहीं के वहीं रख दिया है। अब बता नहीं सकते क्या हो सकता है। देखिए पांच कॉइन दोनों के भी है। वो क्वीन को हासिल कर लिया है श्रीनिवास ने। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर दो ब्लैक पॉइंट के साथ अगर ये थर्ड पॉकेट चली गई तो फिर दिक्कत हो सकती थी जहीर को। और अब भी सिचुएशन बहुत टाइट पोजिशन पे है। देखते हैं जहीर क्या खेलेंगे। माय गॉड, यहाँ पे कुछ अलग होता हुआ थोड़े से नर्वस माइंड दिखते हुए कुछ अलग तरीके का खेल खेलने का प्रयास था। लेकिन फिर देखिए श्रीनिवास ने एक रिबॉन खेल लिया है। इसके साथ साथ अगर ये कॉइन को कट खेल लिया तो अब शायद रिबॉन ही खेलेंगे। जगह बहुत कम है लेकिन सपोर्ट है। नहीं, डबल टच का प्रयास है यहाँ पर। और इस तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया है श्रीनिवास ने। बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों खिलाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से खेले थे, लेकिन जीत हासिल हुई है श्रीनिवास को अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर, अपने बहुत अच्छे कैरम स्ट्रोक्स के बलबूते पर इसकी जीत लिया है श्रीनिवास ने। चलिए श्रीनिवास का हार्दिक अभिनंदन और वेल प्लेड जहीर। इस वक्त इस मैच को आपको हाथों देखा होने के बाद मैं मंदार बर्डे आपसे रजा लेता हूं और फिर एक बार जुड़ूंगा कोई अच्छी मैच के साथ जो आगे हमें हम आपको लाइव दिखाएंगे। थैंक यू।